हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज निकल चुका हूँ मेरा अगला वीडियो बनाने का उद्देश्य में। मैं वीडियो बनाने के लिए मरियानी से 10-12 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, सुकाफा पार्क, सुकाफा उद्यान। आप लोगों को दिखाऊंगा और यहाँ का इतिहास भी बताऊंगा। एक इतिहास आसाम से जुड़ा हुआ है, ये बताऊंगा। उन्होंने मुगल और राजपूतों की लड़ाई सुनी होगी। बाबर के खिलाफ लड़ाई में सैकड़ों रणसंगा अकबर के खिलाफ घास के रोटी खाकर आज़ादी के जंग लड़ते हुए महाराणा प्रताप का नाम सबने सुना होगा। लेकिन राजपूतों की तरह भारत में कुछ कुछ योद्धा और भी थे जिन्होंने मुगल को 17 बार जंग में हराया, लेकिन उनके बारे में नहीं पता है हमें। इतिहास के पत्तों से दूर ही रखा जाता है। यह है आसाम का आहोम योद्धा। पुराने जमाने में एक साम्राज्य हुआ करता था आसाम में। यहाँ के राजधानी गुवाहाटी हुआ करती थी। इस राज्य का अंतर्गत आसाम के ब्रह्मपुत्र वैली, रंगपुर, बंगाल का कुछ हिस्सा और भूटान आता था, पर राज था आहोम साम्राज्य का। जैसे मुगलों ने बार बार मराठों से टक्कर मिली, आहोम ने कई बार हराया। दोनों पक्ष में 1.5 दर्जन से भी ज़्यादातर उनको खेदरा गया है आसाम से। 17वीं सदी की योद्धा लचित बरफुकन को स्नेहा से याद किया जाता है अभी भी। उनका नेतृत्व पे आहोम ने मुगल को बढ़ते कदम को थमा था। अगस्त 1617 में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मुगल सैनिक चौकी पर जोरदार हमला किया। लचित बरफुकन गुवाहाटी पहुंच गए। मुगल सम्राट सैयद ब्रज खान समेत कई सैनिकों को बंदी बनाया उन्होंने। मुगल भी शांत नहीं बैठे। अपनी इस बेइज्जती महसूस करके मुगलों ने सैकड़ों तादाद में फौज भेजी। सैकड़ों नाव में मुगल सैनिक नदी पार की और आहोम के साथ एक बड़े संघर्ष की ओर कदम बढ़ाने लगे। मुगल इस बार काफ़ी मजबूत सेना भेजी थी, लेकिन इस बार जो हुआ इतिहास के पन्ने में हर किताब में पढ़ाना चाहिए। लचित बरफुकन के सैनिक मात्र 7 नाव में आए और मुगल की बड़ी फौज और कई नाव में ऐसा आक्रमण किया, तितर बितर हो गए मुगल सैनिक। मुगल की भारी हार हुई। इस जीत के बाद लचित तो नहीं रहे, लेकिन मुगल की इस भारी हार के बाद मुगलों ने पूर्वी क्षेत्र की तरफ देखना ही छोड़ दिया। आप लोगों के सामने ये रहा सुकाफा उद्यान, सुकाफा पार्क। सुकाफा पार्क, सुकाफा उद्यान असम के लचित बरफुकन के नाम से ही जाना जाता है और यहाँ पर पिकनिक खाने के लिए हर साल लोग आते हैं और यहाँ का नज़ारा खूब सुंदर है। आप लोग पूरा नज़ारा देखें और हमें कमेंट करके बताएं जो आप लोग कभी आए थे क्या यहाँ पर पिकनिक खाने के लिए या घूमने के लिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखे धन्यवाद। जय आई अहम।
सुख का वंदन होता है तो तात भी पी गया हाथी तूता तूता ई आ उ में सुखा प्रतिमूर्ति
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, और मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और ऐसे हर हमेशा वीडियो देता रहूँगा, आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद। जय होम।